नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ले जा रहा हूँ अनुसुईया माता के मंदिर में। ये है चमोली जिले में। अगर आप गुप्तेश्वर से आते हैं तो गुप्तेश्वर से मंडल एक जगह है, वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। मैं जाऊँगा इसके इस साइड में, तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ से 3.5 किलोमीटर ऊपर है अनुसुईया माता मंदिर, और अत्र मुनि आश्रम भी है उधर एक, तो भी मैं इसमें एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अति अच्छा रास्ता है, तो उम्मीद है कि आपको ये जर्नी पसंद आएगी। शुरू करें जर्नी, लेट्स एंजॉय। तो काफी सुनसान रास्ता है ये, नदी की आवाज आ रही है कल कल करती हुई, और एक जो डे टाइम पे झुंझुर या पता नहीं क्या वाइल्ड इंसेक्ट, उनकी भी ठीक ठाक आवाज आ रही है। रास्ता बड़ा ही मस्त है, नदी बह रही है, अमृत गंगा कह रहे हैं इसको। पीछे ये मतलब नीचे कहीं देख रहे हैं, ये सारा मतलब अमृत गंगा नाम है इस नदी का। अमर हो जाएगा जो इस नदी का पानी पिएगा भाई, क्योंकि इतना शुद्ध है, ऊपर तो जड़ी बूटी से निकल के आ रहा हूँ पानी, प्योर मिनरल वाटर। दोस्तों देखो ये अभी मतलब 4 किलोमीटर की जर्नी थी नीचे, जो रोड छोड़ी मैंने गेट से अनुसुईया माता के मंदिर के गेट से, मतलब तो अभी मैं आ गया हूँ लगभग 2 किलोमीटर, और यहाँ से मैं 2 किलोमीटर ऊपर जाऊँगा तो मुझे अनुसुईया माता का मंदिर मिल जाएगा, और उससे 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आगे अत्र मुनि का एक आश्रम कह सकते हैं उसका, मतलब जो भी पूरा प्राचीन हिसाब से होगा वो है, मतलब वो भी मैं आपको इस जर्नी में एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो शायद भी ये रास्ते में मेरे को दुकान मिली, तो चाय की दुकान आई बॉर्डर जी है यहाँ पे, तो बॉर्डर जी हम दोनों को चाय पिलाएंगे। वो कभी दिख नहीं रही, ये है थोड़ा थक भी गई है ना, पानी अच्छा यहाँ का नो प्रॉब्लम, तो चाय पीता है और फिर चलता है अनुसुईया माता के मंदिर। दोस्तों अगर आप मंडल से अनुसुईया माता मंदिर में आते हैं 4 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, तो उन्होंने बैठने के लिए यहाँ पे जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ऐसे मतलब कई जगहों पे बैठने के लिए बना रखे हैं, और जहाँ पे मैं खासकर खड़ा हूँ तो एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ऊपर जो चोटियाँ हैं ना, इन पर कहीं रुद्रनाथ है, मतलब वहाँ तक मेरा प्लान नहीं है। मेरा प्लान सिर्फ आज अनुसुईया माता मंदिर का देखने का, और अत्र मुनि आश्रम है वहाँ तक ट्रैक करूँगा मैं, और फिर नीचे मंडल आ जाऊँगा, वहीं कहीं एक कॉटेज या होटल जो भी मिलेगा रूम ले लूँगा मतलब, और फिर कल वहाँ से
आगे को मूव करूँगा गुप्तेश्वर के लिए। इधर यार आपको थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकती है कि एटीएम वाला, एटीएम इतनी आसानी से नहीं मिलता है, तो ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने पास कैश मतलब ठीक ठाक रखें, जिससे आपको यात्रा में परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। बाकी सब ठीक है। दोस्तों काफ़ी घनघोर जंगल में आ गए यार हम लोग। विनीता जी भी पीछे आ रही है। बहुत ही खतरनाक जंगल है। और सबसे मतलब बड़ी बात जो है, मैंने इस रास्ता अभी वापस आना वकाचा कम काफ़ी भाई ऊपर रुद्रनाथ जाने वाला रास्ता है। थोड़ी देर में वो अनसया गांव आने वाला है। मंदिर में दर्शन करके फटाफट से नीचे मंडल आना भाई। तो मैं और वका जी अत्र मुनि के आश्रम में पहुंचने वाले हैं। जो भी है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है भाई। दिखाता हूँ आपको, अगर दिख रहा होगा अगर मेरे पीछे कहीं आप, क्या ज़बरदस्त वादियाँ भाई साहब, बहुत ही सुंदर एरिया है। शांति, शाम का टाइम है, बहुत ही शांति महसूस हो रही है। घाटी है मतलब एक, और रास्ता है उसके अंदर बना। दोस्तों ले आए मैं आपको अत्र मुनि के आश्रम पे। यहाँ पे एक शानदार झरना बहता है नज़दीक पे अत्र मुनि आश्रम में, और वहाँ जाने के लिए भी एक थोड़ा टफ वाला रास्ता है। तो लोग बोलते हैं कई जन्मों के जो पुण्य होते हैं उनने कमा रखे होते हैं, तब जा करके इस आश्रम को देखने का मौका मिल रहा है और आप मेरे साथ इसको फ्री में इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अत्र मुनि आश्रम, और अत्र मुनि आश्रम की शुरुआत करते हैं हम इस घंटे से। जय हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यात्रा पसंद आई होगी। हम लोगों ने तो यार बहुत एंजॉय किया। उम्मीद है कि आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सायनारा। जय हिंद, जय भारत।